दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा काफी फेमस हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऑपरेशन है, यूपी पुलिस का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन लंगड़ा। बाकी मैं यूपी पुलिस का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं इनके लिए जो फंड होता है वो कृपा करके सरकार टाइम पे दे दे, क्योंकि रिपेयर वगैरह उत्तर प्रदेश पुलिस कराती रहे, कई बार क्या होता ना चलती गाड़ियाँ पलट जाती हैं। क्या है ऑपरेशन लंगड़ा, डिटेल में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको नंबर्स और डाटा में उलझाऊं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। दोस्तों मार्च 2017 से जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में पावर में आई है तब से लेकर अब तक 8472 इनकाउंटर्स में से 3302 इनकाउंटर्स में या तो पुलिस ने एक क्रिमिनल को गोली मारी है या फिर वो इंजर्ड हुआ है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम यूपी में मेरठ, जो पश्चिम यूपी जो मेरठ का इलाका है, उसमें टोटल 2839 इनकाउंटर हुई हैं और 5288 गिरफ्तारियां हुई हैं और 61 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर मैं अब तक टोटल इनकाउंटर्स में जो डेथ हुई उसकी बात करूं तो वो अब तक 146 क्रिमिनल्स की इनकाउंटर में डेथ हुई है। दोस्तों यूपी पुलिस की क्रिमिनल्स को लेकर, क्राइम को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। योगी जी के लिए इनकाउंटर्स एक अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया कि यूपी के बदमाशों में डर बढ़ रहा है, ये डर होना चाहिए, होना चाहिए डर। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम्स को रोकने के लिए एक पॉलिसी भी चलाई थी, ठोक दो, ये एक पॉलिसी का नाम था। इस पॉलिसी को लेकर ढेर सारे अपोजिशन ने भी सवाल उठाए कि ये पॉलिसी गलत है, और ओवैसी साहब का तो ये कहना है कि इस पॉलिसी के तहत यूपी सरकार लोगों को मार रही है एनकाउंटर्स के नाम पर। पुलिस का कहना है कि अगर हम पे कोई पहले वार करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ ऑपरेशन लंगड़े की। दोस्तों होता क्या है, जब भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ होती है वो पहले फायर करते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है, तो पुलिस क्या करती है उनके पैर में ढिचकियों करके गोली मार देती है, यही ऑपरेशन लंगड़ा है। दोस्तों जिन्हें लंगड़े का मतलब नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ, जो व्यक्ति एक पैर से नहीं चल सकता उसे लंगड़ा कहते हैं। तो पुलिस उनके पैर में गोली मार देती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो भाग नहीं पाते और पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब पुलिस का ये कहना है कि हमारा मोटिव लंगड़ा करना नहीं, सॉरी पहले गोली मारना नहीं है, पहले उनको अरेस्ट करना है, हमारा पहला मोटिव उनको अरेस्ट करना है, अगर वो भागता है तो हम उसके पैर में गोली मारते हैं। दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज की बात करूं तो ये सही है, क्योंकि क्रिमिनल्स को वाकई में ही डर होना चाहिए। जब तक इन्हें डर नहीं होगा कि हमें इसकी क्या सजा मिलेगी, या हो सकता है यूपी पुलिस की गाड़ी वगैरह खराब हो गई, गाड़ी भी पलट जाए, तब तक इन्हें डर नहीं होगा प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का, कानून का, तब तक ये क्राइम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि रेप्स को लेकर भी कुछ ना कुछ लॉ में जरूर परिवर्तन होना चाहिए। निर्भया, हाथरस, अब दिल्ली में एक दलित लड़की का रेप हुआ, ये वो हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, और हर साल ऑफ द रिकॉर्ड कितने रेप्स हमारे देश में हो रहे हैं उनका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो मैं इस पॉलिसी में यूपी सरकार के बिल्कुल साथ हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे पुलिस के जवानों पर अगर वे फायर करते हैं तो उन्हें भी जवाबी फायर जरूर करना चाहिए। हालांकि कई लोग इसके अपोज में हैं, कई लोग इसको मानते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग मानते हैं ये सही है। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं ये पॉलिसी बिल्कुल सही है, लेकिन 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 इस कानून का गलत फ़ायदा ना उठा सके पुलिस, इसका भी सरकार को ध्यान रखना जरूरी है। इनकाउंटर्स की आड़ में किसी मासूम की जान ना जाए, इसका भी सरकार को बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। अगर ऐसी वीडियोज आप देखना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शॉर्ट कंटेंट के लिए मुझे आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा, आपको क्या लगा, आप किस टाइप के लोग हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझसे कुछ गलती हुई तो वो बताइए, मेरी कोई बात अच्छी लगी या बुरी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।